नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे पांच ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको फेसबुक पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो आपको बताएगा आपका टेकमेट। दोस्तों, हमने फेसबुक पर अक्सर करके कुछ इस तरह की पोस्ट देखी होगी। तो दोस्तों, जिस तरह की पिक्स मैंने आपको दिखाई, वो पिक्स देख के आप समझ गए होंगे किस तरह की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की पोस्ट टोटली फेक होती है। आप ही सोचिए ना कि इन लोगों को फेसबुक एक रुपए क्यों देगा। फेसबुक इन लोग का चाचा लगता है, मामा लगता है, क्यों देगा, आप ही सोचिए। तो दोस्तों, इससे कोई हमारा फायदा नहीं है, ना ही कोई नुकसान है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में इस तरह की पोस्ट का कुछ असर तो होता है। तो इसको आप बिल्कुल शेयर मत किया करिए, इससे और कुछ नहीं, बस एक फेक न्यूज़ फैलती है। दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनको कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो लोग उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आप लोग के मन में नकारात्मक विचार आए होंगे कि आखिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से हमारा क्या नुकसान है। आपका तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक तरह से आपका ही नुकसान है, क्योंकि मान लीजिए आपने अपनी कोई पर्सनल फ़ोटो डाली जो आप अपने परिवार वालों को समझ के डाल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो आपकी फ़ोटो का गलत इस्तेमाल करके दूसरी जगह इस्तेमाल में ले सकता है, और वो आपकी फ़ोटो आप उसको मिलती है तो उसको लगता है कि नहीं, ये फ़ोटो मेरे काम की है, वो फ़ोटो सेव करके दूसरी जगह डाल देता है, दूसरा फेक अकाउंट बना लेता है, किसी को फ्लर्ट करता है, किसी के साथ धोखाधड़ी करता है। तो नाम तो आपका आएगा ना, कि वो नाम भी आपका है, फ़ोटो भी आपकी है। तो कुल मिला के सोच समझ के परिवार वालों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया करिए, या आप जिनको जानते हैं अच्छे से, किसी को भी दोस्त मत बना लिया करिए, इससे आप ही का नुकसान है। दोस्तों, मैंने देखा है कि लोगों को कोई भी न्यूज़ या कोई भी पोस्ट अच्छी लगती है, कोई भी वीडियो, तो उसके नीचे एक लिंक दी होती है, तो लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक करके उसे तुरंत खोल लेते हैं। सोचते भी नहीं है कि हो सकता है जहां वो जाएंगे लिंक खोलने के बाद उस वेबसाइट में कोई मालवेयर हो, एंटीवेयर हो, स्पाईवेयर हो, वायरस हो, ट्रोजन हो, कुछ भी नहीं सोचते हैं, सीधे लिंक पर क्लिक करके वीडियो तक पहुँच जाते हैं। अब मान लीजिए उसमें वायरस हुआ तो सीधे वो आपके डिवाइस में अटैक कर देगा, आपके डिवाइस की सारी जानकारी लीक कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। आप बिना सोचे समझे चेक कर लिया करिए पहले कि वो ट्रस्टफुल सोर्स ने वो वीडियो डाला है, वो पोस्ट डाली है, कि कोई भी अरे गहरे ने डाल दी है। तो जब तक आपको पूरा भरोसा ना हो कि ये वेबसाइट अच्छी है, क्लीन है, सेफ़ है, तब तक उसे ना खोलिए। दोस्तों, मैंने अक्सर करके देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं भी घूमने जाएंगे तो लोकेशन अपनी फेसबुक पर तुरंत शेयर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। होता यह है कि मान लीजिए आप कहीं भी घूमने गए हैं, मान लीजिए एक ट्रिप पे गए हैं अपनी फैमिली के साथ, घर में कोई नहीं है, अब आप वहाँ गए और आपने तुरंत लोकेशन डाल दी, हैविंग फन विथ फैमिली एट शिमला, और आप रहते हैं मुंबई में, तो अब होता ये है कि मान लीजिए आपके फेसबुक से कोई ऐसा आदमी जुड़ा है जिसके आपके प्रति बुरे ख्याल हैं, तो वो क्या करेगा, हो सकता है वो आपके घर में आए, ताला तोड़े, अंदर आए, आपकी जितनी भी मूवीज़ के कैसेट्स, PS4 के गेम की सीडीज़, सारी की सारी लेके चुरा के जा सकता है। तो कृपया करके आप अपनी फेसबुक पर लोकेशन बिल्कुल शेयर मत किया करिए। दोस्तों, अब हम मुद्दे पर आ जाते हैं। फेसबुक में आपने अक्सर करके पोस्ट देखी होगी कि आपका चेहरा किस सेलिब्रिटी से मिलता है, आप पिछले जन्म में कैसे मरे थे, इस जन्म में आप कैसे मरेंगे, आपके नाम का मतलब क्या है, ऐसी तरह तरह की पोस्ट आपने देखी होंगी, तरह तरह की एकदम दो कौड़ी की चीज़ें होती हैं, और लोग क्या करते हैं उसको खोलते हैं और उसमें बोलता है कि कोई एक अच्छी सी फ़ोटो चुने जिससे हम स्कैन करके बता सकें कि आप कौन से एक्टर से मिलते हैं। तो हम लोग बिना सोचे समझे कोई भी फ़ोटो चुन लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। जैसे ही आपने फ़ोटोज़ खोली, वैसे ही सारी की सारी फ़ोटोज़ की जो फाइल्स हैं वो तुरंत उस लिंक वाले के पास पहुंच जाती है, यानी कि फिर से वही बात आ गई, वो आपके फ़ोटोज़ का गलत इस्तेमाल कर सकता है, दूसरी जगह डाल सकता है। और जो होती है ना फेक न्यूज़ कि इसको एक रुपये चाहिए, दो रुपये चाहिए, वो यहीं से होता है। जैसे ही आप खोलते हैं कोई सी फ़ोटो, उसके बाद सारी फ़ोटो पहुंच जाती है, उस फ़ोटो का वहां पे लगा के पेस्ट करके चिपका देता है, यानी कि ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत किया करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और अगर हाँ कोई भी है जो फेसबुक इस्तेमाल करता है उसके साथ तो पक्का शेयर करें, उसके साथ तो शेयर करना भूलें ही मत। और अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं या आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।